तो इसको हम एडजस्ट कर देते हैं कहीं भी। इसका फॉर एग्जांपल मैं साइज़ थोड़ा सा और कम कर देती हूँ, और इस बी की जगह पे इस बी को हम कहीं और प्लेस कर देते हैं ना, और ये जो बटरफ्लाई है इसको मैं इसके ऊपर एडजस्ट कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जितनी भी हमारे पास बटरफ्लाइज हैं वो मोशन की फॉर्म में आ रही हैं, और सब जो है वो अपने बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली एडजस्ट है। इसको करने के बाद नेक्स्ट हम एक एलिफेंट की पिक्चर ले लेते हैं, या आप इसकी जगह किसी भी चीज़ की ले सकते हैं, जैसे जिराफ हो गया या और भी कोई भी चीज़ जो आपको चाहिए हो, आप उसकी पिक्चर ले लें और उसको एडजस्ट कर दें। एलिफेंट के लिए लेते हैं हम, तो एलिफेंट की पिक्चर लेने के लिए आपने उसको सर्च किया, और सर्च करने के बाद ये फर्स्ट वाला हमने ले लिया यहाँ से। इसका आप साइज़ थोड़ा सा कम कर दें, एंड साइज़ एडजस्ट करने के बाद आप इसको यहाँ पे प्लेस कर दें। जहाँ भी आपने उसको प्लेस करना होगा आप इजीली उसको प्लेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसको मैं थोड़ा ना बैक एरिया में कर रही हूँ। यहाँ से एलिफेंट को सर्च करने के बाद आप यहाँ पे इसको प्लेस कर दें, ठीक है। तो ये आपके जितने भी प्रोडक्ट्स थे वो सारे, जितने भी आपकी चीज़ें थी वो सारी एडजस्ट हो गई। इसको एडजस्ट करने के बाद अब आप देख सकते हैं कि आपके पास एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। इसमें आपने क्या करना है नेक्स्ट, कि अगर आप चाहते हैं कि जो आपकी एनिमेटेड कार्टून वीडियोस हैं उसमें हर एक जो चीज़ है वो मोशन में नज़र आए, तो उसको मोशन में लाने के लिए आपने सिंपली, अगर आप इसको मूव करवाना चाह रहे हैं तो नेक्स्ट आप देख सकते हैं कि ऊपर जो ऑप्शन हैं वो चेंज हुए हैं। तो आपने एनिमेट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट आपके पास क्रिएट एन एनिमेशन का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो वो यहाँ पे आपको एक पैटर्न दे रहा है कि आप अपने एरो की मदद से इस तरह से उसको मूव करवा के मोशन में लेके आ सकते हैं। तो आपने सिंपली अपने जो भी आपका प्रोडक्ट है ये देखें, यहाँ से इस तरह करके अब जिस जिस जगह पे अपना माउस जो है वो छोड़ेंगे, ड्रैग करेंगे, वहाँ तक ये मूव करेगा। तो अगर मैंने इसको छोड़ दिया है तो आप देख सकते हैं कि वो एक मोशन की फॉर्म में आ रही है। जैसे आपने अक्सर कार्टून्स में देखा है कि जितने भी आपके पास जो कार्टून्स होते हैं वो सारे मूव कर रहे होते हैं, उसी तरह अगर आप स्पैरो को मूव करवाना चाह रहे हैं तो आपने सिंपली यहाँ से इसको ला के जिस भी डायरेक्शन में आपने उसको मूव करवाना है आप उसको मूव करवा सकते हैं। सेम लाइक दिस, अगर आप चाहते हैं कि एलिफेंट जो है वो मूव करे, तो आप इसको इस तरह लाइट लाइट जहाँ भी आपने इसको लेके जाना हो आप इसको मूव करवा सकते हैं। अगर आपने बटरफ्लाई को करवाना है तो आप देख सकते हैं कि यहाँ से आप इसको सिंपली ड्रैग करके अपने माउस के साथ, तो आप यहाँ से इसको मूव करवा सकते हैं। इनकी मोशन के बाद ही आपको सब मूव करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट आपने क्या करना है, इस पे ऑडियो लगानी है। अगर आप चाहते हैं कि आपने कोई अपनी जो है वो रिकॉर्ड करके लगानी है, अपनी वॉइस इस पे लगानी है, तो आपने अपलोड पे जाके यहाँ आपके पास ऑप्शन आएगा रिकॉर्ड योर सेल्फ, तो आप यहाँ से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अदरवाइज आप ऐप्स पे जाएं, और ऐप्स पे जाने के बाद यहाँ पे नीचे आपके पास एक ऑप्शन आएगा ऑडियो का, आपने सिंपली ऑडियो पे क्लिक करना है। जब आप ऑडियो पे क्लिक करेंगे तो ये देखें आपके पास काफ़ी सारी जो ऑडियोज़ हैं वो शो हो जाएंगी। आप यहाँ से किसी एक पे भी क्लिक करें तो ये देखें आपका जो ऑडियो थी वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट होगी। नेक्स्ट हम इसको जब प्ले करेंगे तो वो हमें जो कार्टून की वीडियो देगा वो एक मतलब ऑडियो के साथ होगी, उसकी आवाज़ आएगी जब तक ये हम आ रही देखें, इस तरह से उसके पीछे से जो है ना वॉइस एडजस्ट हो जाएगी। आगे नेक्स्ट आपने इसको सेव करना है, और सेव करने से पहले आप यहाँ पे देख लें कि आप इसका नाम चेंज कर सकते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे सैम्पल कार्टून्स लिख दूँ तो वो जो नेम होगा उसका वो उसी के अकॉर्डिंगली यहाँ पे सैम्पल कार्टून्स एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद आप यहाँ से शेयर के ऑप्शन पे जाएं इसको सेव करने के लिए, और सेव करने के बाद यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन है डाउनलोड का। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो पहले आपने देखा है कि जब कैनवा के अंदर हम किसी भी टाइप की पिक्चर को सेव करते हैं तो वो आपको सजेस्ट करता है कि आप उसको PNG में करें, लेकिन यहाँ पे अब ये वीडियो है तो वो आपको फाइल टाइप खुद ही एडजस्ट करके दे रहा है कि आपने इसको MP4 में सेव करना है। तो जब आप इसको डाउनलोड करेंगे तो ये आपके जो PC होगा उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगी। तो ये थी आज की हमारी वीडियो, जिसके अंदर आप एक कार्टून बनाना सीख सकते हैं कि आप एक कार्टून की वीडियो कैसे बना सकते हैं। और इसका सबसे जो बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि आप इस वीडियो को अपने यूट्यूब के ऊपर अपलोड करके आप वहाँ से अपनी अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ तक था, इंशाल्लाह मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।